अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मालिक व्लॉगर टर्की। जी फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप लोग, ज़बरदस्त बाहर का मौसम शुरू हो गया। खूबसूरत फूल निकले हैं, येलो येलो, बड़े प्यारे लग रहे थे। यहाँ मैं रोड के साइड पे गुजर रहा था तो मैंने कहा चलें ये भी देखते हैं, ज़रा आपके साथ ये दिखाते हैं। बाहर का मौसम शुरू हो गया, वैसे तो क्लाउडी वेदर है, कल भी बारिश थी काफ़ी सारा दिन, तो आज तो अच्छा वेदर है। देख सकते हैं आप लोग, क्लाउड्स एवरीवेयर। तो ये येलो जो फूल हैं माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। बाहर का मौसम आ गया जनाब, खूबसूरत फूल खिलेंगे। अभी सर्दी बाकी है इस्तांबुल में, अभी तो तकरीबन मार्च के एंड तक चलेगी सर्दी, लेकिन ये कि बाहर तो आपको पता है फरवरी में आ ही जाती है। जी तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर बेंच लगे हुए हैं, मैं बेंच पे आके बैठ गया हूँ। कभी कभी जैसे ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ ना, तो फिर वैसे मोस्टली मैं ऑफ़िस से बाहर नहीं निकलता हूँ। जब शाम होती है, जब छुट्टी का टाइम होता है तो मैं तभी ऑफ़िस से निकलता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे ज़्यादा लोग होते हैं, घुटन हो जाती है कभी कभी, तो मैं यहाँ पर ये बाहर आके जिनसे है यहाँ पर बेंचेस लगे हुए हैं, यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ, फिर ज़रा फ्रेश एयर होती है, मज़ा आता है ज़रा बैठने का, इंजॉय करते हैं। लोगों को आता जाता देखता हूँ और गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवा है, ज़बरदस्त मौसम है और मज़ा आता है बैठने का। ऐसे कभी कभी अकेले भी बैठना चाहिए इंसान को, तो ये तो चलता रहता है, लाइफ है। तो आप लोग सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं, सबके चैनल्स कैसे चल रहे हैं। मेरा चैनल तो अभी आजकल ज़रा स्लो ही चल रहा है क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा बिल्कुल चैनल को। बहरहाल जब टाइम होता है तो देते हैं, जब नहीं होता तो फिर मजबूरी है। वाईटी की दुनिया भी बड़ी अजीब दुनिया है वाईटी की ना। अभी कुछ दिन हुए हैं मैं ज़रा स्क्रीन से आउट हूँ, लोगों के चैनल पर नहीं जा पा रहा हूँ। तो वो जो बड़े बड़े दावे करने वाले थे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, वही गायब है। तो बहरहाल किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, आई डोंट लाइक पॉइंटिंग आउट सम, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो इंसान को वैसे बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए, अगर कोई मजबूरी होती है तो ये अलहदा बात होती है। तो जैसे मैं बिज़ी हूँ लाइफ में, मजबूरी है, किसी के चैनल पर नहीं जा पा रहा, मोस्टली लोगों के चैनल पे नहीं जा पा रहा, तो मैं उनको बता दिया मैंने कि भाई मैं मजबूर हूँ, ऑफ़िस में हूँ। लेकिन वो जो लोग कुछ वैसे जो बहाने करते हैं ना कि वो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, कोई किसी के साथ नहीं है, सब व्यूज़ के चक्कर में है। व्यूज़ दोगे तो व्यूज़ लोगे, व्यूज़ नहीं दोगे तो फिर टाटा बाय बाय, तू कौन तो मैं कौन, ये है असल वाईटी की हकीकत। अभी मुझे हो गया तकरीबन यहाँ पर वाईटी में तकरीबन 3 साल से तो ऊपर हो गए, बहुत से लोग आए गए, चलता रहता है ये, कोई लाइफ थोड़ी रुकती है किसी के लिए। और वाईटी तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लाखों लोग बल्कि मिलियंस पीपल यहाँ पर हैं जो काम कर रहे हैं, तो किसी के कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये चलता रहेगा। लेकिन ये कि वो इंसान को कभी बड़े दावे नहीं करने चाहिए कि वो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, कोई किसी के साथ नहीं है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। अभी मैं 4-5 वीडियो पर नहीं गया ना किसी की, तो आधे लोग होंगे मेरी वीडियो पर, ठीक है, ये है असल हकीकत। और अगर मैं कुछ दिन नहीं जाऊंगा तो आधे से भी फिर वो आधे रह जाएंगे, लेकिन कुछ सिंसियर लोग हैं, कुछ अच्छी प्यारी बहनें हैं, सिंसियरली आ रही हैं वीडियोस पे, वीडियो आके वॉच करती हैं, अच्छे अच्छे मैसेज करती हैं प्यारे प्यारे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं,
शुरू से अभी बहुत मेरे साथ तो ऐसे तकरीबन 3-3 साल से हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो बड़े अच्छे दोस्त भी हैं बिला किसी उसके कि मैं उनकी वीडियो पे जाऊं या ना जाऊं, वो लोग आ रहे हैं। लेकिन वो जो होते हैं फसली बटेरे भी होते हैं बीच में जो बस जिनके चैनल मोनेटाइज हो गए वो गायब हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब वो मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था कि जिनके 4-4, 5-5 हज़ार जो है व्यू उसके सब्सक्राइबर्स हो गए, वो फिर लोगों की वीडियो पे नहीं आते, मोस्टली नहीं आते, वो अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझते हैं। लेकिन जब उनके व्यूज़ गिर जाते हैं फिर वही आ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। भाई तुम्हारे 5 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए तो तुम अपने आप को क्या समझते हो? लोगों के मिलियन व्यूज़ हैं, वो उनको 1 मिलियन व्यूज़ हो तो फिर उस फिर भी उसको एक सब्सक्राइबर चाहिए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसको चाहिए चाहिए। तो ये कि अगर आप लोग किसी के साथ सिंसियर चलते हैं तो सिंसियर चलें, दूसरों को समझा करें। बहरहाल ये कि साइलेंट मैसेज है उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े दावे कर देते। तो और आप लोग सुनाएं, आप लोग के चैनल कैसे चल रहे हैं, आप लोग की रियल लाइफ कैसे चल रही है? थक जाते हैं लोग सारा दिन YouTube पे वीडियो बनाओ, उसके बाद लोगों की वीडियो वॉच करो, फिर उसके बाद लोगों को रिटर्न करो, तो फिर हेक्टिक काम है ना। लेकिन ये कि अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है आप लोग ज़्यादा देखा करें कि अपनी सोशल लाइफ से हट के आपकी जो अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको ज़्यादा आप लोग जो है प्रायोरिटी दिया करें, ये मेरा मतलब मेरी सोच है। YouTube जो है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, कोई इतना वो नहीं है। तो ये थे मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था, जस्ट ये कि आपके साथ कुछ बातें मैंने कहा चलो शेयर करें। रोज़ाना वो तो चलती रहेंगी, शॉर्ट आउट्स तो चलते रहते हैं, लेकिन ये कि चलो एक छोटा सा वीडियो आपके साथ बनाएं। काफ़ी अर्सा हो गया कभी आप लोग के साथ कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की है, तो इंशाल्लाह कभी अभी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे जब टाइम मिलेगा। इंशाल्लाह प्लान है सैटरडे या संडे का, तो इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे आपके साथ बैठ के गपशप लगाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।